ये लो अल्लाह ज़हना बुझो मुझे मेरा लव है ऐशन मैं बस अच्छा क्या कैमरे को गाइस ये भी हो रहा है गाइस ये भी खोलो खोलो मेरा जूता दो हेलो हेलो एवरीवंस वेलकम प्रोफेसर्स यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग्स। सो आज फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हमारी बहनें वापस घर आ रही हैं। शुक्र अब बोरियत खत्म हो गई और अब फिर से फन वाली जिंदगी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एक वीक था हमें बड़ी मुश्किल से गुजारा बोर होकर, बट फिर भी हल्का फुल्का फन किया था, बट बहुत बोर हुआ था, बहुत मिस किया था इनको। तो खैर मम्मा भी फुल जोरों खरोश से तैयार हो रही हैं, क्योंकि मम्मा अभी अपनी बेटियों का इंतजार कर रही हैं। और ये ज़ैनब इधर सो रही है। ज़ैनब उठो यार, जाना नहीं है, पापा इसको उठाएं। एक बज गया यार, वो लोग पता नहीं पहुंच भी दो बज, वो तुम ज़ैनब तुम ऐसे सो रही है। ज़ैनब उठ जाओ, बस करो, लेने नहीं जाना। फातिमा उधर आ भी गई और कह रही है ज़ैनब के लिए तोहफे लेकर आई हूँ। पापा जी जल्दी करें, आज मैं पहले तैयार हो गई हूँ सबसे। हाँ ये देखो पानी ला दो, ज़ैनब उठो निकलो, उनके लिए कोई उनके गले के लिए कोई फूल हार भी लेते हैं, और साथ मम्मा कोई केक शेक भी लेके जाना है साथ। मम्मा बस सुर्खी पाउडर खा रही है, बेटियों को तैयार होके वेलकम करना चाहिए। गाइस वी आर वेरी एक्साइटेड कि हम लोग उनको इतने दिनों बाद मिलेंगे। आप एक्साइटेड हैं? अच्छा दे रही हूँ पानी, उसको पानी की पड़ी हुई है। ज़ैनब को हम पानी देते हैं, फिर इन सबको इकट्ठा करके बुलाती हूँ, क्योंकि दो बजे तक उन्होंने आ जाना यार। ये लो यार आपका पानी, ये लो अल्लाह ज़ैनब उठ जाओ, उठ जाओ, लेने नहीं। फातिमा उधर कह रही है कि मैं ज़ैनब के लिए ब्रांडेड विग्स लेकर, उठ जाओ उठो तैयार हो। नहीं मैं शावर लेकर मैं जो कपड़े उतारे ज़ैनब वो पहन रही हूँ, वहां ज़ैनब ये लो भाई उतार। मैंने ब्लैक कौन सी वो जो ट्राई करी थी यहाँ पहन के, कौन सी? मैं कल यूनिवर्सिटी पहन के जानी है। बेटा ब्लैक वाली रुक जाओ, देखने दो कहाँ पर है। माँ पापा उधर फुल तैयार हो गए, पापा ने जैकेट, पापा जी ऐसे मैंने बाप पूछे इस जैकेट का फायदा क्या है कि जब बाजू तो नंगे हैं तो बाजू में ठंड लग रही है, बाजू में ठंड लग रही है। पापा को भी हमारी ठंडी लगती है, ठंडे पानी में नहाते हैं वो सर्दियों में भी। ज़ैनब तो पता है ये दुनिया है, हम दुनिया में सब जिंदा है। ब्लैक कलर के कहाँ है पापा उड़ी? क्या तुम ठीक हो? उड़ी ठीक हो? खानी है तुमने? ज़ैनब ज़ैनब पापा जी बैठे होने करती ऐसे गिरी है, भाई आ भी गई है वो। चलो तुम उठी नहीं, हम गए ही नहीं, रहने तो मम्मा मेरे साथ रह रहे के प्रैंक्स करना सीख गई है। वो अलमारी में होगी तुम्हारी, किसी ने ब्लैक हुडी वैसे देखनी नहीं है ज़ैनब। मम्मा इसकी हुडी तुम ये बल्ब भी बन के चली जाओ, वो कहेंगे कि हाँ पहचान लेंगी तुम्हें वो, कोई बस ये बाल अपने लेके चले जाना पहचान लेंगे। मम्मा ये मेरे कपड़े मेरे यूनिवर्सिटी के लिए रखे हैं, यूनिवर्सिटी के लिए। गाइस मैं पूरा पैकेज बना के रात को सोती हूँ, पूरा ड्रेस कोड बना के और फिर जाती हूँ यूनिवर्सिटी। अभी नहीं पहनूंगी, अभी नहीं पहनू मम्मा यार, मैं गंदा कर देगी यार, अभी नहीं। पूरे अपने इवेंट में पहन के गई हूँ, गंदा करके लाई हूँ, लेकिन अभी नहीं। मम्मा यार सुबह मैंने यूनिवर्सिटी पहन के जाना, ये गलत है ना, पहले गिफ्ट देती है फिर। तो यार यहाँ पे तो किसी ने देखना भी नहीं, तुमने यहाँ पे शूट करने जाके, तो मैं क्या वहाँ खाना खाने जा करूंगी? तो आप बस ऊपर ब्लैक हुडी पहनो, जब कोई ब्लैक ना आप टी शर्ट भी यार कौन? अच्छा तो फिर ट्राउजर लेके मैं आई हूँ। दिया किसको था गिफ्ट? तुम्हें दिया देने पे गलत बात है, यहाँ पर नहीं। पापा जी इसको रोके, नए कपड़े पहन के जा रही है उधर। नए क्यों? रात के टाइम भी सीखने पहनी तो मैंने थी, मैंने उतारी भी थी, मैंने कहाँ पे कपड़े चेंज किए मुझे भूल गया। ये मुझे याद आ गया, ये लो पकड़ पहनो, लेकिन ट्राउजर नहीं पहनोगे, हमें बता दिया पहले। बल्ब इंसान तो ऐसे पापा से डांट पड़ गई, अभी शांत रहेगी। पापा भी उधर अपनी हुडी ढूंढने में लगे हुए हैं, पापा भी हुडी कपड़े नहीं मिल रहे हैं इनको। पापा ने बगैर बाजों के जैकेट पे बस जब आ जाके पापा को बाजों में ठंड लगेगी ना मुझे, तब बड़ा मजा आएगा। मम्मा उनके लिए कुछ ले जाए, वैसे फातिमा लोगों के लिए कुछ फूल, ये फूल का गुलदस्ता उठाओ। बोलो वही से आ रही है, उमड़ा करके नहीं आ रही। फूल 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 मैं तो कहीं कुछ चॉकलेट्स ले जाते हैं यार, वहाँ पे जाए कुछ खाए, कैंडी ले जाती हूँ मैं उनके, लेकिन उन्होंने वो लोग वहाँ से हमारे लिए गिफ्ट आ रहे हैं। हो गई तैयार ज़ैनब? वैसे मैं तुमसे मजाक कर रही थी तेरा पजामा ले, मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ ज़ैनब उन्होंने तुम्हें नहीं देखना, उन तुम्हें नहीं देखना।
मैं बस हर जगह कैमरा लेकर गाइस ये भी हो रहा है गाइस ये भी और मम्मा यहाँ पे ट्राउजर टूट गया कैमरा गायब नहीं पहचाना नहीं पहचाना अगर त्यार उनको तुम गंदे हुलिये में पसंद हो मैंने प्रॉमिस मैंने कोई मेकअप नहीं किया सिर्फ नहाकर नेचुरल ब्यूटी ला रही है हाँ इसके लिए पता क्या ला रही है स्टाइलर को इसके लिए विग ला मेरी मोटी मम्मा मेरी मोटी मम्मा मेरी मोटी मोटी ये मुझे कहती है स्केलेटन और मैं इसको प्यार से मोटी कहती हूँ ये बहनों में चलता है हमारा इसमें ये नहीं है कि हम लोग दूसरे को मजाक उड़ाते हैं प्यार से कहते हैं हम खैर चलो वेट दिख लो यार नहीं बल्कि भी कोई आया ही नहीं है जैनब तुम बहुत प्यारी लग रही हो बट मैं जूते उतारो मैंने अभी ये पहने थे अभी मैंने उतारे हैं मम्मा ये गलत बात है स्पेशल मैं स्लीपर था कि मुझे वही पहने जैनब यार पापा को बताऊंगी मैं तुम्हारा इधर आ जाओ तुम चुप भाग गई सुन ली भाग गए मेरा जूता मुझे नहीं पता मुझे वही चाहिए मैंने पहले पहने हुए थे इसने चोरी की है मेरी नहीं वापिस दे अच्छा हुआ गिरी अच्छा हुआ गिरी अच्छा हुआ गिरी वापिस आ सुन ली इसको तो मैं खोलो खोलो मेरा जूता दो पापा जी जैनब मेरा जूता नहीं दे मैं ना वो मर रही हूँ जैनब जोकर पहने इसे भागा नहीं जूता दो अभी बड़ा कौन है मैं आप भी कहूँगी इसको कोई चीजें ना दे सारी बहनों को तुम्हारे क्या क्या जैनब मम्मा इसे के मेरा जूता दे इधर आओ इधर आओ इसको तो पकड़ना इधर आते इसको इन उतर मैं दस सुनी हूँ इसके ये इस जैसे सुननी ही के ना हाथों में छोड़ दो ये हाँ चलो चले दो क्या नहीं वो नहीं है मेरे छोड़ राबे मेरे हैं मम्मा आप सॉक्स भी नहीं पहन रही जो मैं लेकर आई हूँ जूता आया मजा इसको गंदा मंदा जो मर्जी ला दे मुझे घुटने में चोट लगी हुई है इस टाइम गाइस बेचारा कोई इंसान मेरे घुटने में चोट लगी चोट लगी अम्मा एकदम से अभी बेचारी हो गई है चलो तुम पहनो मैंने ये इसको दे मैं नाना यार ये गाइस आप लोग जैसे मैंने पहले पहना हुआ सोचती थी कि इससे बड़ी बहन की इज्जत ही नहीं करती है अब तो जैनब इतनी बेचारी है कि रावे दफा ले ले अब ऐसे कहेगी तो फिर यार मैं फिर जूता क्या पहनूं मैंने नहीं पहना गंदा है वो उसमें पांव चुभता है यार जैनब मुझे ना जूता चाहिए मुझे नहीं पहना ठंड लग रही है ये दे दो मम्मा इसको चप्पल ये जैनब से मुझे नफरत गले में ना रोना आ रहा है मेरे दिन ही खराब कर रहे शट अप नहीं पहना तुम्हारे सजेशन की जरूरत नहीं है मुझे मेरा रोना अटक रहा गले में चलो यार रोना नहीं है पापा गुस्सा चलो पानी के बॉटल पकड़े मम्मा चलो और गाइस फाइनली हम लोग अपनी बहनों से मिलेंगे और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इतने देर बाद मिली हूँ तू हरे रंग दिल एक लोग तेरे फोटो वाले वापस कर दिया हाँ जी घर का कर दिया तो चलो सफर पे चलो और गाइस फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए और हम लोग सब काम पर इतनी हाँ जी ओ हम गलत आ गए रास्ता कहीं और हम लोग कहीं और चली जा रहे हैं और इतनी ठंड है कि व्लॉगिंग तक नहीं हो रही है कि मैं खाली जैनब से चप्पल पहन कर आई हूँ तो गाइस हम लोग कवर हो गए हम लोग को ख्याल आ रहा है कि मैं जैकेट्स पहन कर आई थी इतनी ठंड है क्या अच्छा गलत रास्ता मिला हमें रास्ता ही नहीं पता उधर से अरीब भाई भी आ गए हैं हम उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस टाइम कहाँ पर बट अरीब भाई मिल ही नहीं रहे हैं अच्छा है उधर जा अरीब भाई को हम लोग यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बता नहीं अरीब भाई किसी गाड़ियों में से एक गाड़ी भाई की भी है हम उनके साथ मिलते हैं फिर बहनों को वो लोग बस प्लेन से उतरने वाली हैं और हाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गाइस तो हमें अरीब भाई ने भी ज्वाइन कर लिया है वालेकुम सलाम बहनों को लेने हैं अरीब भाई बीवी को लेने हैं बहुत रश है वो लोग बेचारी प्लेन में ही फंस गई हैं यार कोई बात नहीं सबर का फल मीठा होता है क्या प्रैंक करना उनके साथ अब मेरे को प्रैंक करने का अच्छा सा मिलूं इतनी देर से मिस किया चोरियां वो लोग आने वाले उधर फैंस भी काफी आ रहे हैं
रहे हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी बहनों से मिलने। सबसे ज्यादा मम्मा एक्साइटेड है, सबसे ज्यादा मैं। ओके गाइस, सो फाइनली वो लोग आ गई हैं पासपोर्ट वाले पे और तुम तैयार हो अपनी बहन से मिलने के लिए। यहाँ पे उनकी गॉसिप स्टडी, मम्मा फुल फन कर रही हैं। इतनी खुश क्यों है आप? क्या है? मेरी बेटी आ रही है। मम्मा की सबसे ज्यादा खुश है क्योंकि उनकी यार नई नई मेरी दुल्हन आ रही है। बहनें आ रही है, मेरी बेगम आ रही है, दोनों आ रही है। तो खैर मिलते हैं जल्द से जल्द। हम कहेंगे ओ अभी कैसी हो, फातिमा कैसी हो। ज़ैनब को नहीं मिलने देना मैंने। ज़ैनब इसलिए खुश है, ज़ैनब की आ रही है। यार एक्चुअली ना हम लोग बहुत शोर कर रहे थे तो पापा ने हमें कहा कि तुम लोग की आवाज़ ना निकले तो हम लोग छुप छुप के ब्लॉगिंग कर रहे हैं। पापा इस टाइम सरदार बने, सरदार जी बहुत रश है यार। ओ गॉड, पकड़े गए पापा ने डांट लगा दी बहुत गंदी वाली। हड़िप्पा बोलो, हड़िप्पा सामने इतना रश है ऐसे लग रहे सारे गाय में फैंस हैं। मजाक, एयरपोर्ट पे लोग आए हैं यहाँ पे सब उमरा वगैरह करके आए हैं तो इससे हम लोग जो है ना बस आराम आराम से जा रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। दान मत निकालो ज़्यादा, पापा ज़्यादा बोली ना। पापा बस छोड़ो, पापा बंद करो, बस गाइस हम कैमरा बंद करें क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ है यार। यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है और ये हम लोग रश में सब फंसे हुए हैं और आप भी जो है फातिमा हिरा सब यहाँ से आएंगे। जो यहाँ से क्यों आएंगे, वो कौन से वहीं से आएंगे? अच्छा यहाँ से आएंगे, सच यहाँ से आएंगे बोलो। जिधर करके दिखा रही हूँ वो तो बैतुल खुला है। हाँ अच्छा, मुझे लगा वो एंट्रेंस है, मुझे लगा एंट्रेंस है। अच्छा वहाँ बैतुल खुला में से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से आएंगे बोलो। ओके गाइस, सो फाइनली आप भी फातिमा ये लोग आ गई हैं। हेलो हमें मिल रहे हैं तो अच्छी बात। अब खैर निकलते हैं यहाँ से, ज़ैनब से कोई मिला ही नहीं बेचारी से। आप ही किधर गए? आप ही किधर गए? मुलाकातें हो गई हैं इनकी। यार ये क्यूट से फैंस भी इधर आ गए हैं। फैंस जो थे ना वो वेट कर रहे थे कि क्या गिफ्ट लेकर आई हो, क्या गिफ्ट लेकर आई हो। मैं तभी बताऊंगी, अभी बहुत बड़ा तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मुझे अच्छा भी चाहिए और मुझे मेकअप भी चाहिए और कपड़े भी। बहुत बड़ा सरप्राइज है, जस्ट वेट एंड वॉच। फातिमा पहली दफा गई थी तो उससे मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रही हूं। मैंने सबकी एक्सपेक्टेशन पता मैंने बहुत अच्छे तरीके से पूरा करा है और मैं बहुत कुछ लेकर आई हूं। और पता आते साथ मेरी नजर फातिमा पे ना, जो नीचे हाथ शॉपर पकड़े दिखा दिखा दूं। मैंने की तरह की तुमने कपड़े जाते भी वाले नहीं पहने थे क्या? यही पहने थे। लोग तुम्हारी तारीफ करते इस आउटफिट की। मैंने देख के ये भी कहा था मैं यूनिवर्सिटी पहन के जाऊंगी। ओहो, लोगों ने कमेंट सेक्शन में कह दिया। तो चलो यार अब गाड़ी में बैठेगी मम्मी और अरीब भाई, पता नहीं पीछे ही कहीं रह गए। ये फातिमा ने आज साहब इतना बड़ा बैग मुझे पकड़ा दिया। अब ये भी रख दें इनका बैग, बड़ा भारी है। हाँ फाइनली हमारी गाड़ी में फंस के बैठेंगे। चलो उधर बैठो ना, सेंटर में बैठूंगी क्या मैं? कोने में बैठूंगी, मैं बड़ी हूँ ना, क्योंकि मम्मा जो है वो अरीब भाई और आपी के साथ आ जाएंगे। मैं इधर बैठ जा, घर जाके तुम लोगों खाने में क्या बनाया तुमने? आलू गोभी पुलाव बना रही थी। हाँ डंडी आ रही है इधर पुलाव बनाने का। खैर अब चलते हैं घर, फन करते हैं इनके साथ। तो गाइस हम लोग फाइनली घर पहुंच गए। मेरी मम्मी पता नहीं कह रही मम्मी से अलग हो गई हूँ। फातिमा घर देख लो कैसा है, प्यार है। हग करो घर को जल्दी से, हगू। तो यार ये लोग खाने पीने में जो जो लाई हैं हम लोग कल देखेंगे। मुझे सबको बहुत नींद आ रही है तो सब सोते हैं। उसका चद्दरी उठा ले। ये देखो फातिमा चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से जाए। वहां का खेस चोरी करके लाई है ब्लैंकेट। चोर फातिमा तुम बाहर पैसे दिए थे। अब तुम रात को यही लेके सोना। तुम बताना एक दिन तुम्हारे कमरे में भी सोए थे, इतना मजा आया था। चलो मम्मा और आपी भी आ गई हैं तो खैर अब हम लोग सोते हैं सब। शुक्र है फाइनली सारे घर के मेंबर साथ हैं। दिखाओ प्यारा है, मेरे लिए भी यार को लेकर आओ नया कवर। अच्छा ओके यार, ये सब तो चलता रहना है। खैर अब सोने का टाइम हुआ क्योंकि मैंने भी सुबह यूनिवर्सिटी जाना है और इस लड़की ने भी सुबह यूनिवर्सिटी जाना है। वो लोग का बाहर भी फन चल रहा है। यूनिवर्सिटी
सॉरी हाँ स्कूल, इसने स्कूल, मैंने यूनिवर्सिटी, और 4:30 बज गए यार। तो अब हम लगे हैं सोने। सो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लाइक माई चैनल, ऑल्सो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। बाय।